अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक शख्स का नाम बताइए जिसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती थी, जो एक बड़ा ड्रग माफिया था, जो कर्ज में डूबे अपने देश का कर्जा चुकाने की क्षमता रखता हो, तो बेशक आपका जवाब पैब्लो एस्कोबार होगा, लेकिन मेरे सहयोगी छोटू ने इसके जवाब के तौर पर गौतम अडानी का नाम लिया। पता है क्यों? क्योंकि वो समाचार खबर के लिए देखता है और आप मनोरंजन और दंगल के लिए देखते हैं। कभी नेटफ्लिक्स से बाहर की दुनिया में देखिए मुंद्रा पोर्ट पर क्या हो रहा है। नहीं, आप क्यों देखेंगे? आप सबकी निगाहें सिर्फ संजय राउत पर टिकी हुई हैं, ठीक ईडी की ही तरह। शाहरुख के बेटे को पकड़ा गया तो हफ्तों तक रिमोट लिए बैठे रहे, चाय की दुकान से लेकर मेट्रो में सफर के दौरान यही चर्चा करते रहे। लेकिन क्या कभी इस बारे में बात की कि इतनी बड़ी मात्रा में मुंद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग्स कैसे पकड़े जा रहे हैं? क्या कभी इसकी चर्चा की कि सिर्फ मुंद्रा पोर्ट पर ही क्यों ये ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं? क्या कभी जहन में ये सवाल आया कि ड्रग्स पकड़े जाने के बाद इन पर क्या कार्रवाई की गई अब तक? अरे ये सब तो छोड़िए, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि मुंद्रा पोर्ट पर सितंबर 2021 में 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा गया, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ थी। मई 2022 में 56 किलो ड्रग्स पकड़ा गया, जिसकी कीमत 500 करोड़ थी, और जुलाई 2022 में 75 किलो ड्रग्स पकड़ा गया, जिसकी कीमत 375 करोड़ थी। करीब 22,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाने के बावजूद आप सबकी आत्मा शाहरुख के बेटे की गिरफ्तारी और संजय राउत की गिरफ्तारी में अटकी रही। शायद आप सब भूल गए कि ये जो ड्रग्स की तस्करी की जा रही है कभी आपके दहलीज पर भी पहुंचेगी। आपको ये तो पता है कि ड्रग्स की लत इतनी बुरी होती है कि ये मिल जाए तो भी जान का खतरा और ना मिले तो भी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि 2019 में हर दिन 21 लोगों की जान ड्रग्स ने ले ली। इनमें 7,860 लोग ऐसे थे जिन्होंने ड्रग्स की वजह से सुसाइड कर ली, यानी हर दिन 21 मौतें और करीब हर घंटे में एक मौत। ये सब क्यों पता होगा आपको? क्योंकि आपको तो सेलिब्रिटी की मौत पर दुख ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको तो कंगना की सिक्योरिटी की ज़्यादा परवाह होती है। 2020 में एनसीबी ने अवैध ड्रग्स तस्करी के 26,560 मामले दर्ज किए थे। इसे ऐसे भी समझिए कि एनसीबी ने अफीम से जुड़े 2.47 लाख किलो ड्रग्स और 4.36 लाख किलो गांजा जब्त किया था। ये खबर मैं आपको बता रहा, जबकि ये खबर बासी है और न्यूज सेंस के लिहाज से बाबा आदम के जमाने की, लेकिन यही खबर आपके लिए नई होगी, क्योंकि आपने तो आधा समय ये गिनने में गुजार दिया कि कहां कहां मुस्लिमों ने हिंदुओं के सर काटे। हमारे देश में गरीबी निरंतर बढ़ती जा रही है, फिर भी नशा डॉलर की तरह खड़ी चढ़ाई किए जा रहा है। 15 साल में कोकीन हीरोइन लेने वालों की संख्या 2 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई, और आप उसी नशे के मद में तेजो महालय पर चर्चा करते रहे। याद रखिएगा, आपकी यही चुप्पी मुंद्रा पोर्ट से निकलने वाले पैकेट को आपके घर में जगह दे रही है।